हाय फ्रेंड्स, दिस इज शीशा। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक स्किन व्हाइटनिंग का फेस पैक लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, स्किन व्हाइटनिंग का टिप्स लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादातर मेरे पास स्किन व्हाइटनिंग का रिक्वेस्ट आता है, कैसे स्किन व्हाइटनिंग का लिए कौन सा पैक लगाना चाहिए, ये सब रिक्वेस्ट हर वक्त आते ही रहता है और मैं हर वक्त बनाती भी जाती हूँ। और आप सोचते हैं शायद मैम इतना सारा स्किन व्हाइटनिंग का पैक दिखाते हैं तो कौन सा लगाऊँ, तो फ्रेंड्स जिनके स्किन में जो सूट हो वो लगाए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे हैं, किसी को लेमन सूट नहीं करता है, किसी को टमाटर नहीं करता है, किसी को हनी नहीं करता है, ऐसे अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग टिप्स है। और फ्रेंड्स सभी को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, किसी को किसी से बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, किसी को थोड़ा सा कम रिजल्ट मिलता है, उनसे बेहतर रिजल्ट चाहते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं हर वक्त नए नए से टिप्स लाती रहती हूँ, नया नया चीज़ के ऊपर रिसर्च करके आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। तो फ्रेंड्स जरूर देखें आज की वीडियो। आज मैं एलोवेरा से कैसे आप अपने फेस को इंस्टेंटली फेयर बना सकते हैं और परमानेंटली वो दिखाऊंगी। एलोवेरा लीफ एलोवेरा का जो पत्ता है इसको मैं इस्तेमाल करूंगी। मैंने ज़्यादातर एलोवेरा जेल जो आता है मार्केट का वही मैं इस्तेमाल करके दिखाती हूँ, पर बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको डायरेक्ट प्योर ऑर्गेनिक एलोवेरा लीफ से स्किन को व्हाइटनिंग करना है या उनके पास अवेलेबल है, तो उनके लिए फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रेंड्स नेचुरल जो होता है, जो ऑर्गेनिक होता है, जो एकदम पौधा से आ रहा है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। तो ये आप जानते ही हैं, ये एकदम नेचुरल है, तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं होता ही नहीं है। आपके पास ये अवेलेबल है तो आप यूज़ करें, या आपको मार्केट में भी ये मिल जाएगा। और ये जो पैक मैं दिखाऊंगी फ्रेंड्स, इससे आपका स्किन तो इंस्टेंट फेयर बनेगा ही। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स विंटर सीजन है तो आपको ग्लो भी चाहिए, तो इससे फ्रेंड्स आपके फेस में ग्लो भी आएगा और आपके स्किन में कोई भी दाग धब्बा है तो वो भी रिमूव होगा। ये आपके स्किन टोन को लाइटन करता है और ऑल टाइप स्किन के लिए अच्छा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए पहले तो हम लोग एलोवेरा को काट लेंगे ऐसे। तो मैं कैमरे के सामने हूँ, आपके सामने इसको काट के दिखा रही हूँ कैसे काटना है आपको। इसको बीच से ऐसे काट लेना है पहले, और इसका अंदर का जो जेल है उसको आपको निकाल लेना है। तो इसको ऐसे फाड़ लेना है जैसे, इससे पहले फ्रेंड्स आपको एलोवेरा को अच्छे से धो लेना है। ये जो पत्ता है उसको अच्छे से धो लेना है। ये देखिए इसके अंदर ये जेल निकल आया है। सॉरी प्रदीप, एलोवेरा तो ग्रीन स्किन, पूरा ग्रीन ही देखा कि करब भूले ही गेछि, एरकम छेड़े दियो, सब स्टैंडर्ड नहीं आछे, देखा जाबे कि करब बोल तो। ई पाशे टुन वीडियो दिए दियो, एखाने टुन वीडियो केटे केटे दिए दियो, इंट्रो वीडियो वाले केटे केटे एखान दिए दिए दियो, आर पाशे समाजखाने सबुज दाई थाकबे। ओके, तो फ्रेंड्स ये है जेल, तो इसको आपको इस्तेमाल करना है। कैसे मैं दिखाऊंगी, इसका डेमो मैं दिखाऊंगी, अपने ऊपर ट्राई करके इंस्टेंट इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आप अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए फ्रेंड्स आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल बटन को भी क्लिक करना है। इन दोनों को क्लिक करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। और फ्रेंड्स मैं ऐसे रिसर्च करके हर वक्त चलाती रह जाती हूँ, और ये बहुत ही इफेक्टिव सा मैं नुस्खा आपके साथ शेयर करती जाती हूँ और इसका लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको अभी इस्तेमाल करूंगी, इसको कैसे इस्तेमाल करना है दिखा देती हूँ। इसके बाद हम लोग लेंगे एलोवेरा के साथ मुल्तानी मिट्टी जोड़ेंगे। मुल्तानी मिट्टी फ्रेंड्स आपके स्किन का जो भी डार्ट है वो उसको इंस्टेंट रिमूव करने में हेल्प करता है। तो मुल्तानी मिट्टी को आपको ऐसे पत्ते के ऊपर से दे देना है और इसको ऐसे बैठा देना है पत्ते के ऊपर। और इसके साथ हम लोग लेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी फ्रेंड्स बहुत अच्छा रहता है स्किन व्हाइटनिंग के लिए, क्योंकि मिल्क में व्हाइट एंजाइम रहता है, जिसके वजह से मिल्क पाउडर मैं इसमें जोड़ रही हूँ। थोड़ा सा ही काफ़ी है, मतलब लगभग आप एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेते हैं तो आधा चम्मच आपको मिल्क पाउडर लेना है।
पाउडर मिल्क लेना है, और इसके बाद फ्रेंड्स इसको ऐसे लेके आपको डायरेक्ट फेस में रब करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो मुल्तानी मिट्टी है आपकी स्किन का जो डेड सेल है, डार्ट है, उसको रिमूव करेगा और आपके फेस में एक फेयरनेस लाएगा। और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स एलोवेरा जेल, पहले एलोवेरा को थोड़ा सा बीच बीच से आपको ऐसे पंच कर लेना है ताकि इसका रस निकल आए, और एक ग्रीन वाला स्किन नेल टच होना चाहिए, सिर्फ इसका जेल ही आपके फेस में टच होना चाहिए। तो ऐसे आपको मुल्तानी मिट्टी के साथ और मिल्क के साथ इसको फेस में लगा लेना है। ऐसे आपको 5 मिनट इससे रब करना है। रब करते ही इंस्टेंट फ्रेंड्स ये आपकी स्किन को फेयर करता है। और फ्रेंड्स मुल्तानी मिट्टी के काम के बारे तो मैंने बोल दिया है, और उसके साथ फ्रेंड्स एलोवेरा में विटामिन ई बहुत मात्रा में रहता है, एंटी ऑक्सीडेंट रहता है, जो आपके फेस के लिए, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन को बहुत बहुत दिन तक जवान रखता है, और आपके फेस में किसी भी किस्म का दाग धब्बा है उसको मिटाता है। और फ्रेंड्स एलोवेरा जेल सन टैन आपके फेस में आ गया है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उसको रिमूव अच्छे से करता है। सन बर्न है तो उसको भी हल्का करने में हेल्प करता है, हील करता है। और फ्रेंड्स इसमें हम लोग मिल्क मिलाए हैं, मिल्क पाउडर मिल्क में व्हाइट एंजाइम रहता है, ऐसे मिल्क में ही व्हाइट एंजाइम रहता है। तो इसमें पाउडर मिल्क मैंने इसीलिए जोड़ा है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आप रख के इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको पाउडर मिल्क ही लेना है, रॉ मिल्क नहीं। और पाउडर मिल्क में व्हाइट एंजाइम रहने की वजह से ये आपकी स्किन को फेयर बनाता है। तो इन सभी के साथ फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा सा पैक है, जिनके पास ही ऐसा एलोवेरा है या जो चाहते हैं एलोवेरा को ऐसे इस्तेमाल करना, नेचुरल एलोवेरा, तो इसको जरूर ऐसे इस्तेमाल करें। तो मैं 5 मिनट तो रब करके नहीं दिखाऊंगी फ्रेंड्स, तो कुछ देर मैंने रब किया है, अभी मैं इसको धो लूंगी और धोने के बाद इसका कि इंस्टेंट रिजल्ट आता है वो मैं दिखाऊंगी। 5 मिनट अब रब करेंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरे से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और इसको फ्रेंड्स आप हर रोज कर सकते हैं, डेली डेली स्किन में जो डर्ट आता है, डेली स्किन में जो पॉल्यूशन रहता है, जो जो टैन रहता है, जो स्किन का जो डेड सेल रहता है, उन सभी को ये डेली रिमूव कर देता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये आपका स्किन टोन को लाइटन करते जाता है और फेयरर बनाते जाता है, तो दाग धब्बा को मिटाते जाता है। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको धो के दिखाती हूँ, तो धोने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है वो तो आप देख पाएंगे, पर फ्रेंड्स उसको देखने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दे तो उसको देखने से पहले फ्रेंड्स अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मैं धो के दिखाती हूँ आपको। तो विंटर सीजन है और स्वेटर पहने हैं तो धोने में थोड़ा दिक्कत होगा, पानी शायद मेरा स्वेटर को भिगा देगा। तो मैंने हाथ को ऊपर कर लिया है स्लीव को, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं धोती जा रही हूँ और मेरा स्किन कितना ब्राइट लग रहा है और उसके साथ ग्लो भी आ रहा है फेस से। तो विंटर सीजन में कोई भी फेस पैक लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फेस में रह जाता है और ड्राई करने के लिए ठंडा लगता है, ठंडा होने होते होते स्किन भी ठंडा हो जाता है, मतलब पैक जब ड्राई होता है तब ड्राई होने के लिए टाइम देता है और स्किन में रखने के लिए ठंडा लगता है। तो कोल्ड अच्छा नहीं है, कोई भी ठंडा वाला चीज़ अच्छा नहीं लगता है विंटर सीजन में। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसे फ्रेंड्स कोई पैक आपको लगा के नहीं रखना है, डायरेक्ट सिर्फ 5 मिनट आपको रब करना है और उसके बाद ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे स्किन से कितना ग्लो आ रहा है और कितना फेयर हो गया है, इंस्टेंट फ्रेंड्स ये फेयर फ्रेंड्स मिलाता है। तो मैं एक बार आपको पोंछ के भी दिखाती हूँ। तो
फ्रेंड्स ये मैंने पोज भी लिया है, आप देख सकते हैं इसका फुल एंड फाइनल रिजल्ट, ये कितना स्किन को ब्राइट किया है और कितना फेयर फेयर बनाया है, और स्किन से देखिए कि ग्लो भी आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरे फुल फेस से एक ग्लो आ रहा है। और फ्रेंड्स इसको लगाने के बाद आपको ड्राइनेस फीलिंग हो, क्योंकि फ्रेंड्स अभी विंटर सीजन है, कुछ भी पानी से भी धो ले तो स्किन खींचता है, थोड़ा ड्राई फीलिंग होता है, तो आपको लगे तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, पर इसको लगाने के 5 मिनट बाद ही आप कोई मॉइस्चराइजर यूज करें तो इसका जो बेनिफिट है वो अच्छे से मिले वो अच्छे से मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसको लगा के 5 मिनट अपने फेस को धोने के बाद 5 मिनट और भी इंतजार करें, उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कितना ब्राइट किया है, मैं कैमरे के सामने आके दिखाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये इंस्टेंट स्किन को फेयर बनाता है और स्किन से और स्किन स्किन में एक ग्लो भी लाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देख के और इसके बारे में जानकारी लेके आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने बहुत सारे फ्रेंड के साथ रिलेटिव के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि विंटर सीजन में उनको भी कोई पैक लगा के ठंडा ना लग जाए तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा ना लग जाए उसका डर है, तो फ्रेंड्स इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी एडवाइस दे सकते हैं इसको लगाने के लिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मैं फिर मिलूंगी कोई अच्छा सा ब्यूटी टिप्स के साथ या हेल्थ टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। উদয় ক্যামেরা নিয়ে আসলে একটু হ্যাং করে প্রচন্ড, অফই হচ্ছে না।